सभी को नमस्कार, जय श्री मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल VCR वाई टच में। हाँ जी, एक बहुत ही अच्छा सेट है ये, जेट ड्राइव और 6 हेड है ये, हाई फाई स्टीरियो। और रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग करने के लिए तो आप यहां से कर सकते हैं, 3 दिए हैं, एक वीडियो 2 ऑडियो, ठीक है। पाल और एम स्कैम करने का ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है। डायमंड हेड है ये, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है, सैमसंग का है। और आप ये देख लीजिए, यहां पर भी रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहां दिया हुआ है, बाकी सिस्टम यहां पे है। और रिवाइंडिंग इस तरीके से होती है, इधर से ऐसे घुमाने घुमाने से होती है, ठीक है। स्प्रिंग टाइप है, प्ले स्टॉप रिवर्स फॉरवर्ड, रिकॉर्डिंग का बटन यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। चैनल बदलना आप यहाँ से बदल सकते हैं। तो क्या अभी ऑन करूँगा और इसके बारे में थोड़ा सा बताऊँगा मैं अभी आपको। ये ऑन कर दिया मैंने, टीवी पे देखो प्रो लिखा आ गया है, ठीक है, प्रो लिखा आ गया, ब्लू कलर की स्क्रीन। जब हम प्ले करेंगे तो उसका शॉट भी आता है, स्टॉप और प्ले लिखा था, साइन बना हुआ, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो क्या है, अभी मैं चला के दिखाता हूँ। इसमें क्या है, ये जो मशीन थी ना, रखे रखे जाम हो गई थी, तो ये कुछ देखो, इस पर यहाँ पर सामने लिखा भी आ रहा है, हाई फाई ड्राइव, ठीक है ना, हाई फाई यहाँ पर लिखा भी है। और जब हम पिक्चर चलाते थे ना, साउंड की यहाँ पर वो आती है कि कितना साउंड हो रहा है ना, लेफ्ट राइट साउंड, स्टीरियो साउंड का साइन आता है यहाँ पर, कि इस तरीके से जब जैसे डायलॉग बोलते हैं साउंड चलता है। और भी क्या है ये, मैं आपको खोल के भी दिखा दूंगा और कैसेट चला के दिखाऊंगा। इसमें क्या है कि जो पिंच रोलर की मशीन होती है, वो हाथ से ऊपर नीचे करनी पड़ती है, क्योंकि थोड़ी सी जाम है। बाकी इसकी सर्विस हो गई है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं। ये रिमोट के साथ है, सैमसंग का रिमोट है, ठीक है, और बिल्कुल न्यू कंडीशन है, न्यू कंडीशन। मैं अंदर से भी खोल के दिखाऊंगा। ये 6 हेड है और ऑडियो डबिंग सिस्टम भी है यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस ठीक है, लेफ्ट राइट और वीडियो भी, ऑडियो भी सिस्टम आप इसमें डबिंग कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको ना ये कैसेट चला के दिखाता हूँ और उसके निकालने का लगाने का फिर बताता हूँ। और 6 हेड है, पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी है। कैसेट गया, अब प्ले का बटन दबाया, ठीक है, ये देखो साउंड का ऑप्शन आ रहा है, ट्रैकिंग खोद लेता है, ठीक है। और बाकी की आप इस रिमोट से भी कर सकते हो, सारे सिस्टम है। अब मैं आपको टीवी का शॉट दिखाता हूँ, पर मुझे अंदर का भी दिखाऊंगा आपको। हाँ जी, मैंने अभी स्टॉप कर दिया, और मतलब प्ले चल रही है, टीवी का शॉट दिखा दिया, स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो टीवी पे साइन भी आता है स्टॉप और प्ले का, ठीक है। तो मैं पहले ढक्कन खोल के फिर अंदर का भी दिखाता हूँ, कैसेट निकालने किस तरीके से। ये थोड़ी सी मेहनत करनी है शुरू शुरू में आपको। हाँ जी, देखो मैंने ये अंदर से खोल दिया है, ये अंदर से मैंने खोल दिया, आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। स्टॉप कर दिया और कैसेट नहीं घूम रही, स्टॉप का बटन दबा दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए प्रो प्ले नहीं चल रहा है। अब एग्जैक्ट के लिए क्या करना है, ये जो चीज़ है ना हमारी, ये थोड़ी जाम है, इसको हमें हाथ से ऊपर उठाना पड़ता है। ये ऑयलिंग वगैरह कर दी क्योंकि रखी हुई जाम हो गई थी मशीनें, ठीक है। बिल्कुल न्यू कंडीशन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, 6 हेड है। तो स्टॉप का बटन दबा रहा हूँ मैं, आपके सामने स्टॉप बटन दबाया, अब ये निकल रहा है ना, ये हल्का सा ऊपर करना है बस, इशारे से कैसेट सही चलाऊँ तो वापस आ जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीसिंग वगैरह भी कर दिया मैंने, आपको दिखा रहा हूँ चलते चलते। ये चक्कर इसलिए खोल के बता रहा हूँ क्योंकि निकालने के लिए, जैसे आप चलाओगे करोगे तो ये धीरे धीरे फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो 6 हेड है और बहुत ही कम चला हुआ है, घर का यूज़ किया हुआ है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, कंडीशन अच्छी है। और इसके बारे में बात कर सकते हैं, पीछे का भी शॉट दिखाता हूँ मैं आपको एक अलग से। ये देखो 3 पॉइंट है, एक पीला वाला वीडियो, वाइट वाला और रेड वाला ऑडियो, लेफ्ट राइट है ये, ठीक है। आप देख सकते हैं वीडियो ऑडियो इन और आउट, ठीक है। रिकॉर्डिंग यहाँ से भी हो सकती है और डबिंग के लिए बाहर से भी कर सकते हैं। सैमसंग का है, मेड इन कोरिया, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा नज़दीक से। और ये देखो मेड इन कोरिया है, सीरियल नंबर ही पड़ा हुआ है। मैं अंदर से और अच्छे से दिखा रहा हूँ कि इसके बारे में, प्राइस के बारे में मुझसे बात कर सकते हैं। रिमोट भी है और 6 हेड है, जैसे चलेगा और स्मूथ हो जाएगी, मगर थोड़ी सी बस सावधानी बरतनी है आपको इसके लिए, निकालते समय और लगाते समय, ठीक है। और इसके बारे में बताता हूँ, ये गाइड पिन होती है, ये आगे लेके जाती है टेप को, ठीक है। इसके बारे में दिखाता हूँ मैं, ये जो वाली कलर की गाइड पिन लेके जाती है, ठीक है, तब बैठती है, तब इसको दबाना होता है, मैंने आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर सकते हैं। रिमोट इसके साथ है सैमसंग का, मैंने खोल के डीपली से दिखा दिया है, ठीक है, बंद तो कर दिया। ये पेज दिखा रहा हूँ, ये ना इसके ओरिजिनल पेज है, ये घर का चला हुआ न्यू कंडीशन सेट है, बिल्कुल पेज इसके ओरिजिनल वाले हैं, जो मोटे वाले लगते हैं तो अधिकतर पतले पतले होते हैं, मगर कंपनी के लगे हुए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको दिखा दिया, रिमोट भी इसके जेन्युइन है इसके साथ का, ये देखो इसको यहाँ से पुश करेंगे, बाकी सारे फंक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं इसके, ठीक है। और इसमें एक ऑप्शन है, ये एग्जैक्ट करिए रिमोट से भी निकाल सकते हैं आप, ये जो बटन है इसको दबाएंगे कैसे बाहर आ जाएगी, मगर शुरू शुरू में आप इससे मत करिए,
आप इसको खोल के थोड़ा सा करेंगे तो धीरे धीरे सही हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू कंडीशन सेट है, जेट ड्राइविंग और बहुत ज़बरदस्त रिवाइंडिंग होती है, ठीक है। और ये प्रो सेट है, मतलब अच्छा सेट है, सिक्स सेट और डायमंड हेड है। बस कैसे डालते समय निकालते समय थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। इसमें NTSC पाल सब चलता है और डिजिटल ट्रैकिंग लेता है। बाकी ऑप्शन आप यहाँ से देख सकते हो, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, ये देख लो आप, आपको दिख रहा होगा और अच्छे से देख सकते हो। इसमें क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग करने के लिए ऑडियो डबिंग का ऑप्शन ये रिमोट में दिया हुआ है, और कैसेट जैसे SP और LP पे रिकॉर्डिंग हो सकती है। मतलब इसमें ये LP बटन दबाएंगे, जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो एक कैसेट में दो मूवी रिकॉर्डिंग हो जाएंगी कंटिन्यू एक ही कैसेट में, ठीक है। लॉन्ग प्ले वाली रिकॉर्डिंग भी करता है ये। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है रिमोट के अंदर, आउटपुट इनपुट इंडेक्स, ठीक है। बाकी सारे फंक्शन है, प्ले रिवर्स फॉरवर्ड डिस्प्ले, और बहुत ही अच्छा सेट है ये। बस थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको, इसलिए इसके बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग का दिया हुआ है और निकालने का रिमोट में बहुत ही, ये मतलब 2000 के बाद का मॉडल है, जो इतना लेटेस्ट एडवांस बोलते हैं उस टाइम के हिसाब से, कि रिमोट से कैसेट बाहर आ जाती है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर मुझसे कॉल कीजिए, कैश ऑन डिलीवरी होता है, ठीक है। और जो भी सेट में कुछ होता है मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, और इसके बारे में और जानना है तो मुझसे बात कर सकते हैं। और कैश ऑन डिलीवरी होता है, सिर्फ कोरियर चार्ज हम पहले लेते हैं, बाकी पेमेंट आप अपने घर पर कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सेट है, सिक्स सेट हाई फाई स्टीरियो, और अगर लेना चाहते हैं ज़रूर कॉल करें। वीडियो का सेट रिकॉर्डर है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो अभी के लिए इतना ही, सभी को नमस्कार, जय श्री मसीह।